चाहे स्वामी विवेकानंद रहे हो या आज सद्गुरु जग्गी वासुदेव या संदीप माहेश्वरी, चाहे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो या नरेंद्र मोदी, चाहे स्टीव जॉब्स हो या बिल गेट्स, मैं जानता हूं इन सब लोगों में ज्यादा सिमिलैरिटीज नहीं है, कुछ तो अलग जॉनरा से भी हैं और बहुत से लोग तो अलग इरा से भी हैं। बट देयर इज वन थिंग विच इज कॉमन अमंग ऑल दीज पीपल एंड दैट सुपर ट्रेड इज दे ऑल आर गुड पब्लिक स्पीकर्स। We are living in communication era, और इस communication के दौर में public speaking is the most vital thing you need to learn. आज मैं आपके साथ share करूंगा वो mistakes जो बहुत से लोग करते हैं, तभी वो अच्छे public speaker की तरह establish नहीं हो पाते या अच्छे public speaker यूं कहूं तो नहीं बन पाते। जिसमें सबसे पहला problem जो है, जो लोगों को एक बुरा public speaker बनाता है, वो है they don't connect. अब आप अगर कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं करते हैं ऑडियंस से, आप उनके साथ दिल से दिल का कनेक्शन एस्टैब्लिश नहीं करते हैं, तो रैपो बिल्ड नहीं होता, तो बात नहीं बनती और आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर कभी भी नहीं कहलाते हैं। अब देखो, दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो थोड़ा सा इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में होते हैं, जिनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होता स्टेज पे जाने का, मैं कैसा दिख रहा हूं, कैसा लग रहा हूं, कैसा बोलूंगा, कैसे बात करूंगा, लोग कैसे मुझे रिएक्ट करेंगे, जिनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लूज होता है, डरते हैं। उसके लिए तो ये पहला वीडियो बनाया था कि आपका डर खत्म हो जाए पब्लिक स्पीकिंग का। अब दूसरी तरह के लोग होते हैं जिनको इन्फीरियॉरिटी नहीं, सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि अरे यार, हम थोड़ा किसी से बात का, हम थोड़ा जवाब देंगे, हम थोड़ा कुछ। तो ये दोनों तरह के लोग ही कभी भी ऑडियंस से कनेक्ट नहीं कर पाते। तीसरी तरह के लोग होते हैं, ये होते हैं जो बुल्सआई हिट करते हैं। ये लोग एक परफेक्ट बैलेंस बना करके चलते हैं। अब ये कनेक्शन कैसे एस्टैब्लिश करते हैं, ये दिल से दिल तक कैसे पहुंचते हैं, इसमें सबसे पहली चीज है ये क्वेश्चंस पूछते हैं। तो अगर आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं, आस्क क्वेश्चंस। कौन से क्वेश्चंस? ओपन एंडेड नहीं, सब्जेक्टिव नहीं, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, यस या नो में। ज्यादा डिटेल में बात नहीं करनी, बस एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है। इससे ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट रहती है। और दूसरा कि आप ऑडियंस के बीच में जाएं, आप लोगों के बीच में जाकर के उनसे बात करें, आंख से आंख मिलाकर के बात करें। इस वीडियो में मैंने बताया था कि फाइंड योर लाइट हाउस, अपना लाइट हाउस ढूंढ लो। तो जो आपने अपना लाइट हाउस फाइंड आउट किया है, उस लाइट हाउस के पास जाओ, उससे बात करो, उससे कुछ क्वेश्चन पूछो, उससे आंसर करो, क्योंकि ये आपके कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करता है और ये आपका एक रेपो बिल्ड करेगा आपकी ऑडियंस के साथ। जो लोग आपसे बात करना चाहते हैं वो अलर्ट हो जाएंगे कि शायद आप उनके पास भी आए, और जो नहीं करना चाहते वो घबरा के बैठ जाएंगे कि कहीं सर हमसे कुछ ना पूछ ले। तो लोगों की अलर्टनेस लेकिन बरकरार रहेगी। एक और चीज आपको बताता हूं कनेक्टिविटी के लिए, आप क्या कर सकते हैं, कुछ स्टोरीज अपने स्पीच में जरूर ऐड कर सकते हैं। आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कर सकते हैं, दैट इज ह्यूमर। आप ह्यूमर को जरूर ऐड कीजिए। अब ह्यूमर कैसे काम करता है कि कई बार मैं भी इवेंट्स में इस चीज को यूज करता हूं कि जैसे मान लो मुझे कोई एग्जाम्पल देना है, सपोज मैं कोई एग्जाम्पल दे रहा हूं बाबा रामदेव का, तो मैं बैठ जाता हूं, योगा करके दिखाता हूं, मैं रेप्लीकेट करता हूं और लोगों को बोलता हूं कि कैन यू गेस कि मैं किसकी बात करने वाला हूं, तो लोग बोलते हैं सर्टनली, हां जी आप बाबा रामदेव, तो ये एक उनके चेहरे पर स्माइल भी लेकर के आता है और एक ह्यूमर क्रिएट हो जाता है। आप जानते हैं इंडस्ट्री में एक चीज बहुत बिकती है, दैट इज एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। तो आपको, मैं जानता हूं कि हम पब्लिक स्पीकिंग जॉनरा से हैं, हम कॉमेडियन एंड एंटरटेनमेंट नहीं है, लेकिन एक अच्छा पब्लिक स्पीकर, अगर आप रूटीन में कोई एक आधी स्पीच देते हैं, कुछ भी करो, जैसे भी करो, ठीक है, लेकिन अगर आप एस्टैब्लिश करना चाहते हैं अपने आप को एज अ गुड पब्लिक स्पीकर, तो यू नीड टू इनकल्केट ऑल दीज स्किल्स। आपको थोड़ा सा ह्यूमर ऐड करना पड़ेगा। तो लोगों के बीच में जाइए, क्वेश्चंस पूछिए, स्टोरीज की फॉर्म में कुछ बताइए, और सबसे जरूरी थोड़ा सा ह्यूमर जरूर ऐड कीजिए। दूसरी गलती लोग क्या करते हैं, लोग अपनी स्पीच पर या क्या वो बोलने वाले हैं इसी पर ध्यान देते हैं। लोगों को लगता है पब्लिक स्पीकिंग इज ऑल अबाउट टॉकिंग, पब्लिक स्पीकिंग इज ऑल अबाउट गिविंग स्पीचेस और कीनोट स्पीचेस, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक बहुत बड़ी गलती जो लोग करते हैं कि वो अपने इवेंट को और अपनी ऑडियंस को कभी भी स्टडी नहीं करते हैं। बट इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ स्टूपेंडस पब्लिक स्पीकर, इस चीज की गलती कभी मत करना कि आपका ऑडियंस साइज कितना होगा, यानी कितने लोग वहां पर, जो हम इवेंट करना चाह रहे हैं कितने लोग वहां पर होंगे, जो ऑडियंस होगी उनका प्रोफाइल क्या होगा, वो किस एज ग्रुप से बिलोंग करते होंगे, उनकी इनकम कितनी होगी, कम से कम कितनी होगी, ज्यादा कितनी होगी, और एवरेज क्या होगी। अब जब आप ये सभी क्वेश्चंस पूछते हैं तो आपको इवेंट का एक एनालिटिक्स मिलता है, जो इवेंट जहां पर हो रहा है, जिस वेन्यू पर हो रहा है, वो वेन्यू कैसा है, वहां पर सिटिंग जो है वो ऑडिटोरियम है, या वहां पर क्लस्टर सिटिंग होगी, या वहां पर यू शेप में सिटिंग होगी, या थिएटर स्टाइल में सिटिंग होगी, किस तरह से वहां पर लोग बैठेंगे, ताकि मुझे पता चले कि मैं अपनी ऑडियंस से कैसे कम्युनिकेट करने वाला हूं। अब बहुत से लोग ये गलती करते हैं, इवेंट पर पहुंच जाते हैं सिर्फ स्पीच प्रिपेयर करके, और वहां जाकर के पता चलता है कि यहां पर प्रोजेक्टर ही नहीं है। तो अपनी प्रेजेंटेशन कैसे कनेक्ट करेंगे, हो गया बंटाधार, सब कुछ गोल, प्रेजेंटेशन पेन नहीं है, आपको पूछना पड़ता है ऑर्गेनाइजर से कि क्या वो चीजें हैं जो मुझे आपकी सॉल्व करनी है। जब आप उससे पूछते हैं
कि जो लोग वहां पर आने वाले हैं उनकी मदर टंग क्या है। कई बार लोग अपने इंप्रेशन के चक्कर में सारा इवेंट इंग्लिश में कर जाते हैं, जो ऑर्गेनाइजर है वो भी शर्म में या हिच में ये नहीं बता पाता कि मेरी ऑडियंस इंग्लिश नहीं समझती है, वो भी कहता है कैसे कम्युनिकेट करूं, कनेक्शन टूट गया। आगे से ना वो आपको बुलाएगा ना ही आप वहां पर जाएंगे, क्यों? क्योंकि ऑडियंस से कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश नहीं हुई। वैसे तो ये क्लियर हो जाता है कि अगर आप गुजरात जा रहे हैं, बंगाल जा रहे हैं, पंजाब जा रहे हैं तो बहुत हद तक क्लियर हो जाता है, लेकिन आप ये भी पूछते हैं कि आपको इवेंट किस लैंग्वेज में चाहिए, हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में चाहिए। पब्लिक स्पीकिंग इज नॉट ओनली अबाउट स्पीकिंग, इट्स अबाउट पब्लिक एज वेल। आपको अपनी ऑडियंस और अपने इवेंट को और अपने ऑर्गेनाइजर को ठीक से जांचना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है, एनालाइज करना पड़ता है, तब ये क्वालिटी आप में डेवलप होती है कि आप पब्लिक स्पीकिंग स्किल को मास्टर कर सकें। तो मैं जानता हूं ये गलती आज के बाद आप कभी नहीं करेंगे। सो नाउ कम्स द लास्ट पॉइंट, टुडेज वीडियोज लास्ट पॉइंट, बिकॉज आई हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट ऑल दीज थिंग्स, लेकिन वो तभी मैं आपसे शेयर करूंगा जब आप मुझे अपना इंटरेस्ट शो करेंगे कि हाँ आप पब्लिक स्पीकिंग के लिए और वीडियोज चाहते हैं, कि हाँ आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं। तो डू दैट सेम थिंग, कॉमेंट करके बताइए कि क्या आप पब्लिक स्पीकिंग पर और वीडियोज चाहते हैं। और बहुत से लोग ये गलती कर रहे हैं, आज के बाद अगर कभी आपने की होगी तो आप भी नहीं करेंगे। ये गलती है कि बहुत से लोग अपने इवेंट के लिए रिसर्च और प्रिपरेशन नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते हैं। आपकी बात का इफेक्ट है, आपके स्टाइल का इफेक्ट है, आपकी डिलीवरी का इफेक्ट है, आपके कंटेंट का इफेक्ट है, लेकिन एक इफेक्ट ये भी है कि आपके फैक्ट्स, फिगर्स और नंबर्स बिल्कुल एक्यूरेट हैं। जिस इंसान की आप बात कर रहे हैं आपने उसके बारे में स्टडी किया, जिन फैक्ट्स की आप बात कर रहे हैं आपने उनके बारे में स्टडी किया, जिस जगह की आप बात कर रहे हैं आपने उसके बारे में स्टडी किया। तो इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होता है, क्योंकि अगर आपसे कोई क्वेश्चन हुआ तो आप उसको आंसर कर सकते हैं, और दूसरा आपने अपनी तरफ से एक्यूरेट 100% करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी, और अगर आप राइट फैक्ट्स एंड फिगर्स देते हैं तो ये आपकी ऑथेंटिसिटी को प्रूव करता है, तो आपको रिसर्च करनी पड़ती है, और उस रिसर्च के बाद आपको उस रिसर्च को प्रैक्टिस करना चाहिए, आपको अपने इवेंट में बताई जाने वाली कुछ चीजों को प्रैक्टिस करना चाहिए। बहुत से लोग बोलते हैं कि नहीं हम तो स्पॉन्टेनियस हैं, हो जाता है इंसान धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ, लेकिन स्टार्टिंग में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और शायद तभी किसी ने कहा है द मोर यू प्रैक्टिस इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। यहां पर कोई वॉर नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप प्रैक्टिस करके जाते हैं, अगर आप वेल प्रिपेयर्ड हैं, अगर आपकी रिसर्च पूरी हुई है, तो आप देखेंगे कि आपके इवेंट में आप जिस भी स्पीक के लिए या टॉक के लिए जा रहे हैं वहां पर आप एक डिफरेंट पर्सनैलिटी की तरह निकल करके आएंगे। क्यों? क्योंकि आप कॉन्फिडेंस से भरे हैं। क्यों? क्योंकि आपको सभी फैक्ट्स पता है। क्यों? क्योंकि आपको ऑडियंस से कनेक्ट करना आता है। क्यों? क्योंकि आपने रिसर्च कर रखी थी कि यहां पर ऑडिटोरियम है, मैं बैक स्टेज एंट्री करूंगा या फिर मैं ऑडियंस के बीच में से एंटर करूंगा। तो हर चीज बिल्कुल क्लियर है। पब्लिक स्पीकिंग इज नॉट ओनली अबाउट स्पीकिंग, इसमें बहुत से और एस्पेक्ट हैं जिनको मास्टर करना पड़ता है इन ऑर्डर टू बिकम अ गुड पब्लिक स्पीकर। एंड माय डियर फ्रेंड, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही पब्लिक स्पीकिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और पर्सनल ब्रांडिंग के वीडियोस आपके लिए लेकर के आऊं, तो लाइक करके बताओ ना यार। मुझे पता चलता है कि कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, मुझे पता चलता है कि ऐसे और वीडियोस आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में मैं लेकर के आऊं, जो आपकी लाइफ में मैसिव इंपैक्ट क्रिएट करें और आपकी वैल्यू और ब्रांड दोनों बिल्ड करें। कमेंट करके जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। बहुत से लोग गलती करते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं लेकिन बेल आइकन को प्रेस नहीं करते हैं, जिससे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन उनको नहीं मिलता। अभी क्या, अभी चेक करो कि क्या ऑल के साथ आपने चैनल पर बेल आइकन को प्रेस किया है या नहीं। थैंक यू सो मच।